nice, and many, many congratulations for Rakesh Sawant. And movie बहुत अच्छी है, उसके पूरे मतलब पूरा रियल पे है और बहुत अच्छा डायरेक्शन है, बहुत अच्छी स्टोरी है, एंड आई रियली लाइक इट. और बार बार जो मोदी सरकार का नाम बीच बीच में आ रहा था, मतलब दैट वॉज गुड. एवरीबडी वॉज डूइंग लाइक क्लैपिंग इन एवरी मोमेंट, इट्स रियली नाइस. सब लोग ये बात कर रहे थे कि मुद्दा 370 पे कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है या फिर ऐसा कुछ, फिल्म में ऐसा कुछ था? नो, नथिंग लाइक दैट. एंड सारे लोग बहुत अच्छा अब तक बोल रहे हैं वहाँ पे मूवी, जब तक मुझे जो भी मैंने देखा. एंड आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे मोदी सरकार के बारे में बहुत ज़्यादा बातें की गई हैं और बहुत पॉजिटिव वे में सारी चीज़ें दिखाई गई हैं बेसिकली, जो मैं अब तक देख, अभी तक मैंने हाफ मूवी देखी है. सो आई एम गोइंग टू वॉच मतलब आफ्टर दिस ब्रेक इंटरवल. सो अब तक तो मुझे बहुत अच्छा लगा. और वहाँ पे कुछ भी आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है कि कहीं पे कंट्रोवर्सी हो सकती है, आई डोंट थिंक सो. सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ नितिन तेजवानी एंड राकेश सावंत? एवरीवन इज रियली नाइस, एंड मतलब डायरेक्शन से लेके मूवी, मतलब स्टोरी से लेके और व्हाटएवर, सारे एक्टर्स से लेके ऑसम. आई कैन गिव यू लाइक 100 में से 100, रियली नाइस. एंड आउट ऑफ 5 व्हाट स्टार्स फॉर द फिल्म? फ्रॉम 5 आउट ऑफ 5 हाउ मेनी स्टार्स? आई कैन गिव 5. अच्छा लगा 370, जिसे कि हम लोग सभी अवेयर हैं. और आज मेरी जो अवेयरनेस थी, जो मेरी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी, वो फिल्म देखने के बाद और भी एकदम डिटेल में मुझे पता चला कि क्या हुआ था. सो दिस फिल्म इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. और राकेश सावंत हमेशा ऐसी फिल्में बनाते हैं जिससे सोशल इशू हो, मीडिया को अवेयर करते, पीपल को अवेयर करते हैं. तो दिस इज़ रियली वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा. फिल्म इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, सबने बहुत अच्छा काम किया, एक्टिंग वाइज एंड लोकेशन वाइज सब बहुत अच्छा है. आई एम रियली वेरी एंजॉयिंग द फिल्म, बहुत अच्छा लगा. परफॉर्मेंस कैसी लगी सर? सबकी बहुत अच्छी, ऑफकोर्स ऑल आर वेल नोन एक्टर, तो सबकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छा एक्टिंग किया है सबने, लोकेशन भी बहुत अच्छा है. तो आई रियली 4.5, आई मीन 5 ऑफकोर्स, यस. तो मैं सभी आर्टिस्ट को बधाई देना चाहूँगी और राकेश सर को बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया. और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे मुद्दे को उठाया नहीं जाता है जल्दी. तो इसमें समाज के लिए जो मैसेज है ना, वो हम सबके लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं पता थी और इसे देखने के बाद हम सबको वो मैसेज मिला है और पॉजिटिविटी आई है. तो आई होप कि समाज में ये मैसेज पहुँचेगा लोगों तक. और ये धारा 370 जो हटाई गई है, उसके सपोर्ट में भी जो लोग नहीं हैं अभी तक, शायद वो इसको देखने के बाद वो आएंगे कि हाँ बहुत अच्छा हुआ है. और जितने भी आर्टिस्ट इसमें हैं, रियली बहुत अच्छा काम किया, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ. जिसे कहते हैं फाड़ू, वो काम किया है, बहुत बढ़िया है. अब क्या कहना है इसको, हमारे लिए तो बहुत अच्छा लगा हमको. और कैसी स्टोरी लाइन वाइज कैसी है, और मतलब जो धारा 370 हटाई गई थी, 370 उसके बारे में मैसेज दिया गया क्या? ये बहुत बढ़िया धारा हटाया गया है, ठीक है, पूरा देश के लिए ठीक है, कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा. और क्या कहना है, ये अच्छा पिक्चर है. कैसा काम कैसा लगा सबका, जो एक्टर्स हैं? एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, अपना काम अच्छा की निभाए हैं. 5 में से कितना स्टार देंगे फिल्म को, कितना मार्क्स देंगे फिल्म को 5 में से? अब मेरे समझ से बाहर का है. हाँ, well, when it comes to performance wise, the picture is good. Direction wise, cinematography अच्छी है, direction अच्छा है, और locations अच्छा है, shoot जो किया है. Well, और उसके बाद आई थिंक स्टोरी लाइन वाइज भी ठीक है. के बारे में बात की गई है, उसके बारे में कुछ बताइए कैसा लगा आपको? स्टोरी वाइज ठीक है, धारा 370 पे जो उसका जो प्रॉपर मतलब डायरेक्शन वाइज जो है सही है ना, जो जो बात कहना चाहते थे डायरेक्टर, उन्होंने अपनी स्टोरी के सही से दिखाया है. राखी का डांस है क्या? हाँ, राखी, आई थिंक राखी शी इज़ फैबुलस. आई थिंक राखी शी इज़ वो जो है एक तरह से पिक्चर की एंटरटेनमेंट क्वेश्चन है. आई थिंक सो, आई थिंक आउट ऑफ 10 डिजर्व्स 5 चाहिए. इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कैसी है एक्टर्स की? बहुत अच्छी है, रियलिटी लग रही है. ओके, और इसके अलावा मुद्दा 370 के बारे में बात की गई है, जो हटाया गया था कश्मीर से, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देगी ऑडियंस को? एक
एक बार जाके देखना चाहिए, तभी समझ में आएगा कि 370 क्या है मुद्दा, कि एक बार नहीं दो बार जाके देखो, इतनी अच्छी मूवी है। अभी तो 370 हटाया गया है तो देखना ज़रूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे? 70 साल पहले जो चीज़ हुई, आज के डेट में किसी भी नौजवान को ये चीज़ नहीं पता, तो हर अपने देश के हर नौजवान में जाके देखना चाहिए कि मूवी एक्चुअली 370 क्या है, 370 आर्टिकल क्या है। जिस तरह से ये बाहर के लोगों ने, जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन लोगों ने अपने देश के मीडिया को लेके भी या देश के नौजवानों को भड़का के रखा हुआ है कि ये चीज़ इस तरह से है, बट वो टोटली गलत है। एक बार आप जाके मूवी देखो तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आर्टिकल 370 क्या है और किस वजह से इसको एग्जीक्यूट किया गया है आज के डेट में। दैट्स ऑल। हाँ जी, हाँ, जम्मू कश्मीर में इसको शूट किया गया है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, हर एक्टर ने अपना बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। और ये तो आप 5 में से मैं 4.5 देना चाहूँगा। 70 अभी तक 370 के बारे में काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन ये मूवी देखने के बाद काफ़ी मालूम पड़ेगी कि 370 एग्जैक्टली क्या है, धारा 370 में क्या है, और इसमें क्या कश्मीरी पंडितों को नुकसान हुआ, क्या देश की आवाम को नुकसान हुआ, और मोदी सरकार ने ये धारा हटाई है तो इससे देश को क्या फ़ायदा होगा। तो ये आज फिल्म में देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छी फिल्म है और एक सामाजिक विषय पर बनाई गई है, और मैं चाहता हूँ कि देश के लोग इसे फिल्म को देखें और इस धारा को समझें कि 370 धारा क्या थी, क्या है, और इसको हटाने से क्या लाभ हुआ है हिंदुस्तान को। और एक टचिंग, हार्ट टचिंग विषय है, और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, राकेश सावंत जी जो मेरे दोस्त हैं, और फिल्म के एक्टर हितेन तेजवानी जी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और इसमें काफ़ी सारे मेरे और फ्रेंड्स ने भी काम किया है, और मुझे अच्छी लग रही है मूवी। अभी बीच में से मैं बस वॉशरूम के लिए आया था तो मैंने कहा चलो आप लोगों से रूबरू हो जाएं, और बाकी फिल्म अच्छी चल रही है, गाने भी अच्छे हैं, इसमें मेरे फ्रेंड्स ने म्यूजिकल स्कोर दिया है। और कुछ पूछना चाहते हैं आप? तो 5 में से कितना स्टार देंगे जब तक आपने देखा? 5 में से 3.5 तो मैं दूंगा। The community, and I think this is the right time to release this movie, because the message which we wanted to give to the community that we should be together and nothing is about the country, and we should be religious and we should always be together for the survival of the country. और ये बहुत अच्छा एक message दिया गया है, काफ़ी अच्छा act किया है। यहाँ पे हर कोई ये कहना चाहता है कि आज़ादी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, और आज़ादी में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हमारा देश होता है, हमारा अपनापन होता है। धर्म से हमें नहीं जोड़ना चाहिए अपने समाज को, जो समाज है वो इंसानों से बनता है और इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। तो शायद हमें सबको साथ में रह के और अपने मुल्क, अपने देश और अपने हित की रक्षा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैसेज है, और मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग इस फिल्म को देखें, बहुत अच्छा समय है, हर किसी को एक अधिकार है कि अपनी आज़ादी के बारे में बात करें। इंसानियत से बड़ी कोई बात नहीं होती है, जो इस मैसेज के थ्रू देना चाहते हैं, इस मूवी के थ्रू देना चाहते हैं। कल ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, और मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे ख्वाहिश है और आपसे विनती है कि आप लोग सब लोग इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें एक सही मैसेज और सही दिशा में जाने का एक संदेश दिया गया है। तो इस फिल्म बनाने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि हर इंसान को इस मूवी को देखना चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान से बाहर कोई भी मुल्क हो, इस मैसेज को समझे और जाने, क्योंकि नथिंग इज़ अबाउट द कम्युनिटी, नथिंग इज़ अबाउट द हारमनी, नथिंग इज़ अबाउट द पीस। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। जय।